आजादी का द्वार खुल रहा है। सॉरी रॉकी चाचू, एक्चुअली वो अचानक भाग गए ना, इसीलिए। हाँ ठीक है, पर तुम तीनों अचानक कहाँ भाग गए थे? हाँ वो एक्चुअली ना हमें एक जरूरी काम याद आ गया था। हाँ, तो वो काम पूरा हो गया? नहीं नहीं, वो ही तो पूरा करने वापस आए। मतलब हमने सोचा कि पढ़ाई सबसे जरूरी होती है, तो सबसे पहले पढ़ाई पूरी करें। राइट। अब हम वापस आ गए, आप हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आइए ना। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक जरूर लाना। है? वो गर्मी बहुत है ना। ठीक है, मैं भाभी की मदद करता हूँ, तब तक तुम लोग बैठो। आओ आ जाओ। महेश बेटा, मुझे ठीक से याद है कि 1995 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट धनराज पिल्लई ने अकेले ने गोल किया था। अकेले ने? हाँ, नहीं बाबूजी। अरे तू नहीं मानता है, मैं समझाता हूँ तुझे। हाँ दादाजी, समझाइए ना, उसने कैसे गोल किया था। समझाता हूँ कैसे। क्या हुआ 1995 में जब मैच शुरू हुआ, तो मैच के शुरू में क्या हुआ कि सबका ध्यान कहानी सुनने में, ये सही मौका इन तीनों पीतियों के गिलास में जुलाब की गोलियां डालने का। फिर कोल्ड ड्रिंक पीते तीनों के पेट खराब हो जाएंगे और तीनों बार बार बाथरूम भागेंगे। और ये हो गया गोल। नहीं बापूजी, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा सांप घूम रहा है ऐसा लग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं। चल कहाँ? ग्राउंड में? अरे नहीं, डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल पे? अब डाइनिंग टेबल पे हॉकी खेलेंगे? अरे नहीं बेटा, ये शरबत के गिलास है ना। हाँ? वो प्लेयर है मेरे, उससे समझाऊंगा कि धनराज पिल्लई ने गोल कैसे किया। लाओ बेटा ग्लास, लाओ, चलो लाओ 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 लाओ। ये समझ लो, ये जो ग्लास है ना, ये सब प्लेयर। ये देखो, ये कौन है? ये धनराज पिल्ल है। मैच शुरू हो रही है। दादाजी, सॉरी, पिल्ले पिल्ले नहीं बाबूजी, पिल्लई, धनराज पिल्लई। ये मैं मोंटू से कह रहा हूँ कि शरबत पी ले। पी ले? ये तुझे तो मेहमान है ना, सबसे पहले तुम्हें ही पीना चाहिए। लो बेटा पियो पियो। मानव सचिन सलूनी, पियो पियो, तुम भी पियो। थैंक यू मोंटू, आज तेरे वजह से हमें भी कोल्ड ड्रिंक पीने मिला। हाँ। ए, इन्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा है? गोलियों ने असर किया क्यों नहीं? बॉस, लगता है ये गोलियां भी आपकी तरह सुस्त है। असर हो रहा है।
अरे उनके नहीं मेरे पेट में असर हो रहा है। देखा बस बुरा काम का बुरा नतीजा। इन लोगों क्या हुआ, ये फिर से भाग गए? मारे बालवीर मुझे, निकल ले तोबा तोबा यहां से निकाल। तुमने अपनी शक्ति दिखाने में बहुत देर कर दी बालवीर, अब तो नर्क का दरवाजा खुल चुका है, सारे दैत्य आजाद हो चुके हैं। अब मेरी जीत को कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा था कि बुराई जीतेगी, देख लो बुराई जीत गई है। बड़ी बुरी हूं मैं। बॉस आप क्या हाय हाय कर रहे हो, हाय हाय तो हमें करना चाहिए। हाँ मोंटू। नहीं। हाँ मोंटू बॉस। चुप करो यार तुम लोग, चुप करो। मेरी हालत ऑलरेडी खराब है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। अरे मोंटू बॉस, गुस्सा तो हमें ना चाहिए, गुस्सा तो हमें ना चाहिए मोंटू बॉस, क्योंकि आपकी वजह से हमारी भी हालत खराब हो गई है। सॉरी, चलिए तो मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर खिला देता हूँ। खाना क्या, खाने का नाम भी मत लो। नहीं छोड़ूंगा मैं इन पिद्दियों को, जिसने हमारी ये हालत की है उनकी भी मैं ऐसी हालत कर दूंगा। नहीं बॉस प्लीज, अब आप आइडियाज मत सोचो, अब हमारे में ताकत नहीं रही। अरे हाँ, डोंट वरी, इस बार कोई गलती नहीं होगी, ये प्लान एकदम ढांसू है। मैंने अपने पापा के मैनेजर को बोल दिया है कि एक ऐसी चीज बनाए जो उन पिद्दियों पे बिजली गिरा दे। क्या हुआ बालवीर, तुम्हारे पास मेरे इस बार का जवाब नहीं? जाओ रोको, रोको इन दैत्यों को। क्या हुआ बालवीर, डर लग रहा है? महाभस्मपरी विराम बालवीर, ये समय महाभस्मपरी से लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि इन दैत्यों को नर के द्वार से बाहर निकलने से रोकने का है। बालवीर आप और परी अंदर जाइए और इन दैत्यों को बाहर आने से रोकिए। लेकिन रानी परी, महाभस्मपरी की चिंता आप मत कीजिए, लेकिन अगर ये दैत्य इस नर के द्वार से बाहर निकल गए तो अमर हो जाएंगे और फिर हमें से कोई भी इनका अंत नहीं कर पाएगा। बालवीर अंत दैत्यों का नहीं, तुम सबका होगा रानी परी,
क्योंकि ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब इन दैत्यों को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम ये भी जानती हो कि इन दैत्यों को रोका जा सकता है अगर वो सुनहरा चिन्ह वापस इस द्वार पर लगा दिया जाए तो। पर लगाओगे कैसे? उस सुनहरा चिन्ह के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गए वो टुकड़े, और उन टुकड़ों को समेटने में बहुत समय जाएगा। तब तक तुम्हारा ये नन्ना मुन्ना बालवीर और नासिक परियां इन दैत्यों को बाहर आने से रोक नहीं सकता। तुम सही कह रही हो महाभस्म परी, लेकिन आज अच्छाई तभी हार मानेगी जब तक बुराई उसके सामने घुटने नहीं टेक देगी। और ऐसा ही होगा रानी परी, हम सब परियों के रहते एक भी दानव इस द्वार से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ परियों, बालवीर आप और परियां अंदर जाइए और इन दैत्यों को बाहर आने से रोकिए। तब तक हम इस सुनहरे चिन्ह को इस दरवाजे पर लगाने की कोशिश करते हैं। जाइए बालवीर। जी रानी परी। बालवीर, परियों सब तैयार हो जाइए अपने वार के लिए। आज तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी रानी परी, और आज मैं तुम सबका अंत करके अपना बदला लूंगी तुमसे, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। हाँ महाभस्म परी, हम जानते हैं कि बहुत बुरी हो तुम, और तुम्हारा अंत भी बुरा ही होगा। मेहरा ठीक तो है? हाँ। आप जल्द से किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाइए और बिल्कुल बाहर मत निकलना। ठीक है रानी परी। अब हमें सुनहरे चिन्ह के सातों टुकड़ों को जोड़ना होगा। मुझे रानी परी ने कि हो जाए उनको देर महाभस्म परी को पराजित करने में, तो बनकर मैं बल्लू जाऊं मैं घर और बता दूं घर वालों को कि है गई मेहर अपने दोस्तों के यहां और लग सकती है उसे देर। हूं बनता अभी मैं बल्लू, खा कर ये रूप बदलू गोली। है ये तो बच्चों की आवाज। क्या बॉस, उस मानव सचिन से लेने का आप इस चॉकलेट के डिब्बे से बैंड बजाओगे? और सोचो कि अगर उनकी बैंड बज भी गई तो कितनी स्वीट स्वीट चॉकलेटी बैंड बजेगी उनकी। बस मैं तो कहता हूँ ये उन्हें देने से अच्छा ये हम ही खा लेते। हाँ बस खा ले। हाँ खाओ खाओ। चल 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 चल। अरे वाह, अभी का याद रखोगे। झटका लगा। अब पता चला ना मैं उन पिद्दियों के साथ क्या करने वाला हूँ। है ना ये कमाल की चीज। अरे बॉस कमाल की नहीं बेकार की चीज है ये। हाँ छोटे से झटके से उनका कुछ भी नहीं होगा। वही तो। हाँ केवल तूने सही कहा, बेकार की चीज है। जाओ जाओ फेंक क्या हो इसे, फेंक क्या हो। नहीं बस नहीं, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इससे चाहे ये हम दोनों इसे मिलके खा लेते हैं। वैसे भी बेकार चीज है, हमें बहुत पसंद है। एकदम सही कह रहे मंडवा जैसे ना। हाँ
अब लगा जोर का झटका है ना, ये कमाल की थी। ये चॉकलेट है ना, इसके अंदर एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और वो वहां पे उसका वायरलेस रिमोट है जिससे हम इसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी की पावर है ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें मीडियम पे झटका दिया और तुम्हें इतने झटके लगे। अब सोचो जब ये चॉकलेट मैं उन टिड्डियों को दूंगा और उन्हें हाई वोल्टेज का झटका दूंगा तो उन्हें कितने झटके लगेंगे। मोंटू नहीं सुधरोगे तुम कभी, पर हूं मैं भी डुबा डुबा एक दूंगा तुम्हें जोरदार झटके। वाह 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 बस, अब तो बहुत बढ़िया नाचते हो और हमें बड़ा मजा भी आ रहा है। लेकिन बस अब ट्रायल बहुत हो गया, अब उन पिट्टियों को लाइव झटके खाते हुए देखेंगे। हाँ बॉस, अब आप मस्त नाचो क्योंकि वैसे भी बालवीर जी आपको डांस करवाते ही रहते हैं। हाँ अरे बॉस बॉस मत ना, अरे केवल तू क्यों नाचे? है कहते इसे जैसे को तैसा, अब वो बन जाता हूँ मैं बल्लू। माँ बस तो परी ने सही कहा था, इतने सारे दानों को रोकना असंभव होगा। इन सब का अंत करना भले ही असंभव हो लेकिन हमें इन्हें तब तक रोकने की कोशिश करनी चाहिए जब तक सुनहरा चिन्ह द्वार पर लग नहीं जाता और द्वार बंद नहीं हो जाता। हाँ विचार करो, तो आप भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल पहले कीजिए और इतनी रोशनी फैलाइए कि दानों को कुछ दिखाई ना दे और ये दूसरी दिशा में मुड़ जाए। ठीक है बालवीर। हमारे पास सुनहरे चिन्ह के सारे टुकड़ों को जोड़ने का। रानी परी ने सुनहरे चिन्ह के चार टुकड़े लगा दिए, तीन टुकड़े और लग गए तो ये द्वार फिर से बंद हो जाएगा।